अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी यूथ के हाल चाल हैं, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो प्रोडक्ट शेयर कर रहा हूँ, इस पे भी काफ़ी लोग बिजनेस कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में जो नहीं कर रहे और टाइम का वेट कर रहे हैं कि शायद उनके हाथ कुछ ऐसी चीज़ लग जाएगी जिससे उनका बिजनेस यूनिक हो और वो दिन रात जो है ना वो उसे अर्निंग कर रहे हो। तो भाई ऐसा होता नहीं है, आपको छोटी छोटी चीज़ों को देखना होता है। तो आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये एक्चुअली आप समझ लें देसी स्टाइल में एक चाय की दुकान है, लेकिन ये उसका मॉडर्न वर्जन है, ठीक है जी। ये मशीन जो है ये आपको चाय की वैरायटी बना के देती है, ये कॉफ़ी की वैरायटी बना के देती है, ये सूप में भी आपकी हेल्प करेगी, और आपको ये मिल्क जो है मिल्क शेक टाइप वो भी बना के देती है। सो वेंडिंग मशीन इसे कहते हैं कि टी वेंडिंग मशीन या कॉफ़ी वेंडिंग मशीन आप इसे कह लें। ये मशहूर ब्रांड है कैफे डिज़ायर के नाम से, और काफ़ी ममालिक में जो है वो चल रहा है ये, और मैंने इधर पाकिस्तान में भी खुद भी इसे परचेज़ किया हुआ। तो एक अच्छी मशीन है, इसे खोलें तो इसके अंदर आपको 3-4 ऑप्शन मिलती हैं। ये 2 टैंक की होती है, ये 3 टैंक भी होती है और 4 टैंक भी होती है। ये इसके टैंक है वाइट कलर के, आपको नज़र आ रहे हैं। ये चारों में आपने प्रीमिक्स डालना है। प्रीमिक्स एक्चुअली वो सॉल्यूशन है, यानी कि वो मटेरियल है जिसमें जब ये मशीन पे आप पानी डाल देंगे ऊपर, ये बॉटल जिस तरह रख रहे हैं मशीन पे, इस तरह की आप बॉटल रख लेते हो तो आपको जो है वो पानी नीचे आता है, गर्म होता है। गर्म होने के बाद आपका प्रीमिक्स जो है वो इसमें ऐड ऑन हो जाता है। प्रीमिक्स ऐड ऑन होने के बाद जो है वो आपकी जो है कैफ़े कॉफ़ी या टी जो आप चाहते हो वो आपका तैयार हो जाता है। और ये जो है आप समझ लें कि अगर आपने 4 टैंक वाली ली तो आपके पास कॉफ़ी की वैरायटी, आपके पास इसमें सूप की वैरायटी, आपके पास इसमें टी की 2 वैरायटीज़ बड़े आराम से आ सकती हैं, जो कि आप अपने कस्टमर को एंटरटेन कर सकते हो। छोटी सी मशीन है, अक्सर मोटरवे पे जाएं तो मोटरवे पे जितने भी आपको टी स्पॉट मिलते हैं, जो एरिया रिफ्रेशमेंट एरिया, वहाँ पे यही मशीनें लगी हुई हैं। अगर आप नॉर्दर्न एरियाज में जाते हैं, गिलगित बल्किस्तान में जाते हैं या आज़ाद कश्मीर की साइड पे जाते हैं सैर करने, तो वहाँ पे भी जहाँ पे चाय वगैरह आप लेने जाते हैं वो इलेक्ट्रिकल, अगर तो उनके पास लाइट का सिस्टम हो तो आपको यही मशीनें लगी हुई मिलेंगी, ठीक है जी। स्वाद साइड पे जाते हैं, कलाम मालम जबा, इस तरह की तमाम जगहों पे जाएं तो आपको ये प्रीमिक्स के साथ जो है ना टी मिलती हैं। और प्रीमिक्स जो है वो भी आपको ये एक कंपनी के ब्रांड का अवेलेबल होता है जिसका टेस्ट बहुत अच्छा है, और इसकी मतलब अगर इसकी कॉफ़ी को आप नेस्कैफे ब्रांड के साथ कंपेयर करें तो आपको ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आता, बल्कि शायद ये उससे ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसका इसमें वर्किंग आसान है, ये इसका आप वीडियो देख रहे हैं इस टाइम, ये टेक्निकल वीडियो किस तरीके से ये नई मशीन फिट की जाती है, ये तमाम डिटेल्स आपके सामने आपको नज़र आ रही हैं कि आपने एक एक टैंक को जो है वो फिल किया और उसके बाद उसकी नोज़ल लगा दी अंदर ऊपर पानी, क्योंकि आपने पहले डाल दिया, तो अब वो जब मशीन को ऑन किया जाएगा तो पानी गर्म होगा, और पानी गर्म होगा तो ये मिक्सचर को मिक्स करेगा। आपको जो मिक्सचर आपने डाला होगा, प्रीमिक्स कॉफ़ी का, प्रीमिक्स टी का, प्रीमिक्स ग्रीन टी का, प्रीमिक्स सूप का, प्रीमिक्स जो आप डालेंगे वो आप इजीली ले सकते हैं, और वो रेडी आपको मिलेगी विद इन 2 मिनट्स। तो ये बिज़नेस जो है इसके लिए कोई इतना बड़ा सेटअप की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको मशीन चाहिए, प्रीमिक्स चाहिए। आप चाहें तो एक छोटी सी जगह पे जो है ये अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, एक अच्छी अर्निंग है। कॉस्ट जो है तकरीबन पर मग या पर
जो इसका एक गिलास बनेगा, ठीक है, वो 100 ml का है। तो आप 100 ml का रेट अगर आपको ये पड़ता है 25 से 27 रुपए का, तो बड़े आराम से 35, 38, इवन 40 रुपए तक मोटरवे पे काफ़ी महंगा भी सेल हो रहा है। सो आपको इसमें वैरायटीज़ क्या क्या मिल सकती हैं, कॉफ़ी की रेंज क्या है वो भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, टी, ग्रीन टी, और इसके अलावा जो है आपको सुबहरा की वैरायटी, मिल्कशेक की वैरायटी भी इसमें मिल जाएगी। बिजनेस में टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो मशीन की कॉस्ट है। मशीन की कॉस्ट को अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें जो टू ऑप्शन है, टू ऑप्शन आपको मिल जाती है 1,35,000 की, और थ्री ऑप्शन इसी तरह 1,45,000, और जो फोर ऑप्शन के साथ है वो मशीन आपको 1,55,000 तक अवेलेबल है मार्केट में। तो इस तरीके से आपकी इन्वेस्टमेंट तकरीबन 2 लाख रुपए में आप एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, और रेगुलर अर्निंग है। नहीं, ये वो चीज़ें हैं अगर तो आप नॉर्थन एरियाज में, और ख़ास तौर पे केपी के जो टूरिज्म के हवाले से स्पॉट्स बने हुए हैं, अगर तो कहीं वहाँ स्टॉल वगैरह लगाते हैं, तो सर्दी गर्मी ये प्रोडक्ट चलने वाली है। सर्दी गर्मी आप जो है वो इससे बिजनेस कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। जहाँ तक इसकी मटेरियल की सप्लाई का इशू आपके जहन में आएगा कि कहीं इशू ना आ जाए, कहीं इंटरप्शन या बीच में किसी किस्म की रुकावट आके बिजनेस डिस्टर्ब हो, तो वो भी ऐसा इशू नहीं है। आप जो है इधर से किसी भी कोरियर कंपनी के थ्रू, या आप डेवो बस सर्विसेज या कोई भी ऐसी ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ कर सकते हैं। कंपनी आपको यहाँ से लोड कर दे और आप जो के स्पॉट तक जो है वो डिलीवर हो जाएगी, आप वहाँ से पिकअप करें उसे और अपने बिजनेस को कंटिन्यू रखें। तो इतनी इसमें कुछ ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। कराची, इस्लामाबाद, कोयटा, ठीक है, इसी तरह अफगानिस्तान में भी इवन इसकी डिमांड है और सप्लाई है। चाय है, रेगुलर बिजनेस है, और इस बिज़नेस को मैं समझता हूँ करना चाहिए, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो अभी तक सोच रहे हैं कि कुछ करें जेब में पैसे होते हुए भी। सो ये छोटी इन्वेस्टमेंट में छोटा सेटअप है जो कि आपके कंट्रोल में रहता है। इसके लिए किसी किस्म का आपको कोई लेबर रखने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली जहाँ पे आप टी स्टॉल बताएंगे लोग खुद आना शुरू हो जाएंगे। थोड़ी बहुत ब्रांडिंग करने की जरूर ज़रूरत पड़ेगी आपको, लेकिन क्या मैं इसमें कुछ ज़्यादा स्टाफ की जरूरत नहीं, मशीन ऑपरेट करने के लिए किसी किस्म के स्टाफ की जरूरत नहीं है। आप विद इन अ 5 to 10 मिनट्स इसकी तमाम जो डिटेल है, जो इसका प्रोसेस है, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और इससे अच्छा एक बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। जो कर रहे हैं वो सेटिस्फाई हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए भी बिज़नेस आइडिया अच्छा होगा, और आप इसको अगर ट्राई करना चाहें तो ये आपको एक बेहतर सरमाया भी अर्न करने का करके दे सकता है। दुआओं में याद रखिएगा, और नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट आइडिया के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।